दशहरा यानी कि पिपरिया शहर का दशहरा पर्व पूरे ज़िले में मशहूर है। यहाँ का दशहरा देखने दूर दूर से लोग आते हैं। कोविड-19 के चलते प्रशासन ने इस बार रावण की ऊंचाई कम करने और भीड़ ना होने को लेकर आदेश जारी किए। इस बार शहर में ना तो राम सत्ता होगी, ना ही चल यात्रा और ना ही कोई झांकी सजाई गई। शहर में दुर्गा रानी के दर्शन हेतु भी श्रद्धालुओं में कम ही उत्साह देखने को मिला। इतवारा बाजार क्षेत्र में पिछले कई सालों से हो रहे रावण दहन में रावण को बनाने में क्षेत्रीय युवा बलराम ठाकुर सहयोगियों ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर करीब 20 से 25 फीट का रावण बनाया, जो कि इतवारा बाजार क्षेत्र में दहन किया। शहर के युवाओं का जोश कोरोना महामारी के चलते फीका रहा। रावण को आकर दे रहे सब्बा चचा बंटी राजपूत और सोनू रैकवार ने बताया कि हम हर बार की तरह इस बार रावण के पुतले को बड़ा आकार देना चाहते थे, मगर शासन के निर्देशों का पालन करते हुए इस बार करीब 20 से 25 फीट का ही रावण बनाया गया। इस कार्य में युवा साथी सैफू खान, गज्जू वर्मा, राहुल राजपूत, शिवम वर्मा, अमन नागवंशी, दीपू रैकवार, जानू खान, गौरव नागवंशी, अमन साहू, सत्यम वर्मा, विजय कहारे, रमेश ठाकुर, आकाश रैकवार और अन्य साथियों का विशेष योगदान रहा। गौरतलब है कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे भी सैकड़ों की तादाद में लोग हुए एकत्रित और ब्रिज के ऊपर भी लोगों की उपस्थिति रही। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी हमेशा की तरह बनी रहे, किसी भी तरह की क्षति नगर वासियों को नहीं पहुंचे। एसटीओपी शुभेंद्रु जोशी के मार्गदर्शन और अथक प्रयासों से शहर वासियों को राहत रही। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।